हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पांच ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स की जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए अगर आप भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार ढूंढ रहे हो। और जो ये कार्स है, ये सारी अंडर 10 लाख के बजट में आ रही है, तो एक बजट फ्रेंडली कार्स है। एंड अगर आप भी सर्च कर रहे हो कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार अपने लिए, तो आप इन कार्स की तरफ जा सकते हो। और गाइस, इसके साथ साथ मैं आपको इन कार्स का वैल्यू फॉर मनी मॉडल भी बताऊंगा कि जो मॉडल आप कंसिडर कर सकते हो और जो आपको लेना चाहिए। तो गाइस, शुरू करते हैं। एंड मैं आपको बताता हूं, जो मेरी लिस्ट में जो पांचवें नंबर की कार है वो है टाटा पंच। को मैंने फिफ्थ नंबर पे रखा है गाइस, बिकॉज टाटा पंच मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं इसका प्राइस सेगमेंट की बात करूं, तो मेरे अकॉर्डिंग जिस प्राइस सेगमेंट में ये आती है उसमें एक बहुत ही अच्छी कार है, और आप इस कार को कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज इसका ये आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की फील तो देती है साथ ही साथ, और जो इसके इनिशियल मॉडल्स हैं उनकी जो प्राइस रेंज स्टार्ट होती है, उस प्राइस रेंज में ये बेस्ट कार मैं मानता हूँ। पंच का जो वैल्यू फॉर मनी मॉडल है वो है एडवेंचर विद रिदम पैक, और ये मॉडल आपको अराउंड 8 लाख ऑनवर्ड प्राइस करेगा। ये कार 3 सिलेंडर के साथ ऑप्शन के साथ आती है, और इसमें आपको 1.2 लीटर का रेवट्रॉन इंजन मिलता है जो कि 84 BHP की पावर और 130 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो गाइज, अगर आप भी कम बजट में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के मजे लेना चाहते हो, तो इस कार की तरफ आप जा सकते हो। तो बात करें मेरे लिस्ट की फोर्थ कार की, तो मेरी लिस्ट में जो फोर्थ कार है वो है हुंडई वेन्यू। तो गाइज, अगर वेन्यू की बात करें, तो वेन्यू का जो 2022 में फेसलिफ्ट मॉडल आया था, तो जो इसका पुराना मॉडल था उसमें जो चीजें हमें कमी लगती थी, कंपनी ने उसको सुधारा है अपने न्यू फेसलिफ्ट मॉडल में, और अब कार लुक वाइज भी काफी अच्छी दिखती है। जो पहले लोगों को काफी कंप्लेन होती थी कार की टेल लाइट्स को लेके, अब टेल लाइट्स जो नई कार में आई है, जो कनेक्टिंग टेल लाइट्स कंपनी ने दी है, वो बहुत ही अच्छी लग रही है। साथ ही साथ इसका जो फ्रंट ग्रिल अपग्रेड हुआ है, उसके साथ लुक में कार काफी अच्छी लग रही है। कार एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, एंड कार भी आपको एक अच्छा कॉम्पैक्ट एसयूवी का फील देती है। तो गाइस, अगर हुंडई वेन्यू के VFM मॉडल यानी कि वैल्यू फॉर मनी मॉडल की बात करूं, तो वो है वेन्यू एस। वेन्यू एस आपको कॉस्ट करेगा 9.8 लाख का। ये 4 सिलेंडर कार है गाइस, जो 1.2 लीटर कापा इंजन के साथ आती है, जो आपको 81 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस थैंक्स बोलना चाहूंगा, जो सपोर्ट आप मुझे दे रहे हो। आपके इसी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने की, और मैं चाहता हूं कि ये सपोर्ट आपका मेरे साथ बना रहे। तो अगर आप इस चैनल में नए हो और आप ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो गाइस थैंक यू सो मच। आपके इस लाइक और आपके इस सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे वीडियो बना पा रहा हूँ, एंड आपका सपोर्ट मुझे इसी तरह चाहिए होगा। तो मुझे प्लीज सपोर्ट करते रहिए, एंड चलती है, देखते हैं हमारी लिस्ट में नेक्स्ट कार कौन सी है। सो गाइस, अगर आप एक कम बजट में स्टाइलिश लुकिंग कार चाहते हो, तो हुंडई वेन्यू आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करें मेरे लिस्ट की थर्ड कार की, तो जो मेरे लिस्ट में थर्ड कार है वो है XUV 300। और XUV 300 की यार बात मैं करूं तो एक फन टू ड्राइव व्हीकल है, आपको बहुत मजा आएगा इसको चलाने में, आपको एक एसयूवी का फील देगा, और रिसेंटली कंपनी ने इसका फेसलिफ्ट मॉडल भी मार्केट में उतारा है। गाइस, अगर बात की जाए इसके वैल्यू फॉर मनी मॉडल की, तो इसका वैल्यू फॉर मनी मॉडल W6 है, जो कि 2 इंजन ऑप्शन के साथ आता है। इस लिस्ट में जो मैंने रखा है वो इसका बेस मॉडल है, आप इसके बेस मॉडल की तरफ जा सकते हो, बिकॉज ये कार सच में बहुत मजेदार कार है यार, और ये बहुत ही फन टू ड्राइव व्हीकल है, आपको बहुत मजा आएगा इसको चलाने में। ये कार आपको 3 सिलेंडर ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, जो 108 BHP की पावर और 200 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। एंड गाइस, बिलीव मी, जब आप इस कार को चलाओगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस, अब बात करते हैं मेरे लिस्ट की सेकंड नंबर की कार की। एंड सेकंड नंबर में जो हमारी लिस्ट में कार है वो है मारुति ब्रेजा। जो ब्रेजा ने मार्केट बनाई है अपनी, वो काफी जबरदस्त है, एंड ब्रेजा का जो नया फेसलिफ्ट मॉडल आया वो बहुत ही अच्छा लगता है। बात की जाए ब्रेजा के वैल्यू फॉर मनी मॉडल की, मेरे अकॉर्डिंग ब्रेजा का वैल्यू फॉर मनी मॉडल है VXI मॉडल, बट VXI मॉडल अगेन आपको 10 लाख प्लस कॉस्ट करेगा, इसीलिए हमने इसको अपनी लिस्ट में नहीं रखा है। हमने अपनी लिस्ट में रखा है इसका बेस मॉडल, जो आपको अराउंड 9 लाख कॉस्ट करता है। ये कार आपको 4 सिलेंडर ऑप्शन के साथ आती है, 1.5 लीटर इंजन के साथ आता है, जो आपको 101 BHP की पावर और 136 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। सो गाइस, अगर आप इस कार की तरफ जाते हो, तो इसमें आपको एक बढ़िया माइलेज भी मिलेगी, बिकॉज एक माइल्ड हाइब्रिड मॉडल के साथ आता है, जो काफी अच्छी माइलेज आपको प्रोवाइड करता है। प्लस ये कार 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ भी आती है, तो मैं बोलूंगा मारुति की जितनी भी कार्स हैं उसमें से ये सेफेस्ट कार है। तो आप अगर एक चाहते हो, आप एक एसयूवी लुकिंग कार चाहते हो, तो आप मारुति ब्रेजा को ऑप्ट कर सकते हो, ये भी एक बढ़िया वैल्यू फॉर मनी कार है।
फाइनली मैं बात करता हूँ अपनी लिस्ट की नंबर वन कार की। तो गाइज मैं मानता हूँ आपको इस कार की तरफ भी एक बार जरूर देखना चाहिए अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सर्च कर रहे हो। हमारी लिस्ट में जो नंबर वन कार है वो है टाटा नेक्सॉन। तो गाइज नेक्सॉन के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज नेक्सॉन ही एक ऐसी कार है जिसने हेल्प करी है टाटा को दोबारा ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी पहचान बनाने में। नेक्सॉन पिछले कुछ सालों से काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती आई है और कई बार इसने अपनी सेगमेंट को रूल किया है। गाइज अभी तक हमें नेक्सॉन के ओनरशिप रिव्यू भी काफी पॉजिटिव मिले हैं। तो बात करें नेक्सॉन के वैल्यू फॉर मनी मॉडल की, तो इसका वैल्यू फॉर मनी मॉडल है XM मॉडल जो कि आपको 9.73 लाख कॉस्ट करेगा। ये कार 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड रेवट्रॉन इंजन के साथ आती है जो 118 bhp की पावर और 172 nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। एंड गाइज इस लिस्ट में यही एक ऐसी कार है जो इतने कम प्राइस रेंज में आपको टर्बो ऑप्शन दे रही है। तो गाइज ये कुछ कार है जो मेरे अकॉर्डिंग टॉप 5 कॉम्पैक्ट एसयूवी की लिस्ट में आती है अंडर 10 लाख। तो अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई कार जो इस लिस्ट में शामिल हो सकती है उसका नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।